नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बलिया यूनिट की तरफ से त्रिपुरा राज्य में सुनियोजित तरीके से भगवा संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय के घरों, दुकानों, मस्जिदों में आग लगाने व दंगा करने के प्रकरण को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को जिला प्रभारी बलिया मऊ गाजीपुर समीम खान की सरपरस्ती में जिला अध्यक्ष बलिया अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन और ज्ञापन में कहा गया है कि त्रिपुरा राज्य में भगवा संगठन जैसे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों व दुकानों व मस्जिदों में लगातार आग लगाई जा रही है और मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हो रही है तथा खुलेआम दंगे किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों में भय व्याप्त है। त्रिपुरा की भाजपा सरकार इसे रोकने में विफल है। केंद्र सरकार भी इसका संज्ञान नहीं ले रही है जिससे त्रिपुरा की स्थिति बहुत खराब हो गई है और वहां अशांति है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की गई है कि त्रिपुरा राज्य में हो रहे दंगे को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों की व मस्जिदों की हिफाजत की जाए और दंगे से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। दंगे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद जैसे भगवा संगठन को प्रतिबंधित किया जाए। त्रिपुरा राज्य की भाजपा सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। त्रिपुरा राज्य में पूर्ण शांति बहाली हेतु उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में महामहिम मेहताब अहमद जिला संगठन मंत्री, मायापति पांडे व मुसद्दिर अंसारी, जिला उपाध्यक्ष कालिका प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष आबिद अली, विधानसभा अध्यक्ष बलिया अशफाक खान, विधानसभा अध्यक्ष फेफना साहिद उर्फ डब्लू, विधानसभा अध्यक्ष वाष्टी इश्तियाक भाई, विधानसभा अध्यक्ष सिकंदरपुर आसिफ खान, विधानसभा महासचिव बेलथरा रोड रईस अहमद, सदाम हुसैन, इमरान खान, इरशाद भाई, सरफराज आदि लोग मौजूद रहे। वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती एक विशेष संगठन के द्वारा किया और पीछे वहाँ लोग ना और हमारे लोग के साथ जुड़ लगा दिया गया है तमाम मुसलमानों के घरों और दुकानों में आग लगा दिया गया है। उन सारे मसलों को लेकर के जो है हम लोग श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद बलिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को जो है यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसका विषय है त्रिपुरा राज्य में भगवावादी संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार किए जाने के संबंध में। महोदय, हम प्रार्थीगण एक राजनीतिक पार्टी AIMIM के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि त्रिपुरा राज्य में भगवावादी संगठनों जैसे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के घरों व दुकानों व मस्जिदों को लगातार आग लगाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जुल्म और ज्यादती जारी है। इससे वहाँ मुस्लिम समुदाय में भय व्याप्त है और मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन हेतु मजबूर हैं। चूँकि त्रिपुरा राज्य पूरी तरह से अशांत है और वहाँ खुलेआम दंगे हो रहे हैं और वहाँ की भाजपा सरकार इसे रोकने में विफल है तथा केंद्र सरकार भी त्रिपुरा के उक्त मामले का संज्ञान नहीं ले रही है जिससे वहाँ स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है और भगवावादी अपने भगवाधारी संगठनों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। त्रिपुरा की उक्त घटना से देश भर के मुस्लिम समुदाय और अमन पसंद लोगों में आक्रोश व्याप्त है और इस तरह की घटना से देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। हमारी पार्टी इस घटना की घोर निंदा करते हुए यह मांग करती है कि त्रिपुरा राज्य में हो रहे दंगे को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों की व मसाजिदों की हिफाजत की जाए एवं दंगे से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि त्रिपुरा राज्य में दंगे में शामिल दंगाइयों को चिन्हित कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए एवं बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद जैसे भगवावादी संगठनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी मांग है कि त्रिपुरा राज्य की भाजपा सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। त्रिपुरा राज्य में पूर्ण शांति हेतु उचित कार्रवाई की जाए। अतः आप श्रीमान से प्रार्थना है कि त्रिपुरा राज्य के उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर हमारी उपरोक्त जायज मांगों को पूरा करते हुए राज्य में शांति बहाली कराने की कृपा करें ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हम और हमारी पार्टी आपकी आभारी रहेंगे। मैं नहीं जानता हूँ, आ गए हैं तो इस साइड वाले, यहीं पर
मानू हक अब्बासी एडवोकेट है जी। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का बलिया का जिला जी। अभी आप लोग कलेक्टर बलिया में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, मामला क्या है? जैसा कि आपको ये विदित है और हम भी समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब जानते हैं कि त्रिपुरा जो भारत का एक राज्य है, जहाँ पर कुछ भगवादी संगठन के लोगों ने जो है मुस्लिम समुदाय के घरों में आग लगाने का काम किया, उनकी दुकानों में आग लगाने का काम किया और साथ ही साथ हमारी मस्जिदों में भी आग लगाने का काम किया, जिसकी वजह से आज त्रिपुरा राज्य जो है पूरी तरह से अशांत है। वहाँ दंगे जो हैं खुलेआम हो रहे हैं और वहाँ पर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम मुसलमानों के जो है पैगंबर हैं और उनके बारे में भी इस तरह के नारे लगाए गए कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। इस तरह के नारों से हम ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम समुदाय और तमाम अमन पसंद लोग जो देश में शांति चाहते हैं और देश में जो है खुशहाली चाहते हैं, उन सब के सब लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उसी मुद्दे को लेकर हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग पूरे प्रदेश में जो है हर जिले पर जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित दे रहे हैं, जिसके कड़ी में हम भी जो है आज ज्ञापन देने हैं।